हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जो बेरिंग है, इस बेरिंग के दोनों कोर है वो टूट गए हैं, अलग अलग हो गए हैं। ये टूटे हुए कोर है, इसको किस तरह निकाले उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो पे शुरू से एंड तक जरूर बने रहना, और साथ में मैं आपको जो ऊपर वाली गिरारी है, ऊपर वाली गिरारी का जो बोल्ट है, उस बोल्ट को और इसका जो बेरिंग है, ये दोनों में किस तरह निकालेंगे उसके बारे में बताऊंगा। अब दोस्तों क्या करना है, आपको ये पुलर लेना है, और पुलर को फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका जो ये बेरिंग है, इस बेरिंग के दोनों के बराबर में लगा देना है। इस तरह बेरिंग में लगा देना है, और फिर इसके जो बीच वाले कोर है, इस बीच वाले कोर के बीच में लगा देना है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसको इसके लगाने के बाद में आपको क्या करना है, ये एक प्लायर लेना है और प्लायर को टाइट कर देना है, प्लायर को एकदम लॉक कर देना है, अच्छे से लॉक कर देना है। अच्छे से लॉक करने के बाद में मैं आगे बताऊंगा कि आपको क्या करना है। इसको लॉक कर दिया है एकदम बीच, जो दोनों कोर है, दोनों कोर के बीच में इस पुलर को लगा दिया हमने, और ये जो प्लायर की सहायता से इसको लॉक कर दिया है। अब आपको क्या करना है, एक टी लेनी है। टी लेने से पहले आपको क्या करना है, एक चाबी ले लेनी है और चाबी को टाइट कर देना है। चाबी को चार या पांच बार घुमाना है, चार या पांच बार घुमाओगे तो ये बेरिंग है ये ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा, और जो आर्मेचर है, इस आर्मेचर का कोई नुकसान नहीं होगा, और ये बिना आर्मेचर नुकसान किए बिना आप जो ये बेरिंग है, इस बेरिंग की अंदर वाली कोर है वो आप आसानी से निकाल सकते हो। और ये पुलर है, ये पुलर मार्केट में आपको अच्छे से 250 रुपये में मिल जाएगा, ज़्यादा कीमत का पुलर नहीं है। और अब दोस्तों क्या करना है, ये जो अंदर वाली कोर है वो हमने निकाल ली है, बेरिंग है वो भी ऊपर वाला पहले टूट गया था, और अंदर वाली कोर है वो अंदर रह गई थी, जो हमने निकाल लिया अच्छे से। अब आपको मैं आगे बताऊंगा कि ये कोर है, अब आपको क्या करना है, ये जो कोर है इस कोर को फेंक देना है, क्योंकि इस कोर की जगह आपको जो दूसरा बेरिंग डालना पड़ेगा ये कोई काम नहीं आएगा आपके, और जो ऊपर वाली कोर है ये भी कोई काम नहीं आएगी, तो आपको इसकी जगह नया बेरिंग डालना ही पड़ेगा। अब दोस्तों आगे मैं बताऊंगा इसके जो आगे वाला बोल्ट है, ये बोल्ट किस तरह खोलते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, ये एक 8 नंबर की टी ले लेनी है, ये जो टी है वो 8 नंबर की टी है, इस टी को इस बोल्ट के अंदर डाल लेना है, और डाल के फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। इस टी को डालने के बाद में आपको इसको लेफ्ट साइड में घुमाना है, और लेफ्ट साइड में घुमा के इस आर्मेचर को पूरा घुमाना है, पूरा घुमाओगे एकदम टाइट से पकड़ के घुमाओगे तो जो अंदर वाला बोल्ट है वो बोल्ट निकल जाएगा, और जो अंदर वाली गिरारी है वो गिरारी भी आप आराम से निकाल सकते हो, बिना नुकसान के बिना गिरारी है इसको निकाल सकते हो। ये देखो ये बोल्ट है वो हमने खोल लिया है, बोल्ट पूरा खुल गया है, अच्छे से खुल गया है, और गिरारी भी बाहर निकाल गई है। इसके जो अंदर वाली सब प्लेट है इसका कोई नुकसान नहीं आया, गिरारी भी एकदम सेफ है, गिरारी का कोई नुकसान नहीं हुआ है। आगे जो बेरिंग डालेंगे उसके बाद में गिरारी आपके अच्छे से काम आ जाएगी। अब दोस्तों इसका जो बेरिंग है वो बेरिंग निकालेंगे, बेरिंग निकालने का मैं आपको तरीका बताऊंगा कि बेरिंग निकालने के लिए आपको क्या करना है, दो ये स्क्रू ड्राइव लेने हैं, स्क्रू ड्राइवर माइनस वाले लेने हैं, और लेके इसको इस तरह डालना है, और डाल के फिर क्या करना है, इसके ऊपर की साइड में इसको धक्का मारना है, दोनों बराबर में डालना है, और बराबर में डाल के इसके ऊपर की साइड में धक्का मारना है। अगर ऊपर की साइड में धक्का मारोगे तो बेरिंग है ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा, ये देखो ये बेरिंग आ गया है, और थोड़ा सा बाकी रहा है वो और आ जाएगा, और बेरिंग ऊपर आने के बाद में आपको इस बेरिंग को निकाल लेना है। ये देखो दोस्तों हमने बेरिंग भी निकाल लिया है, अब इसके बाद में हम इसके अंदर दोनों बेरिंग है वो चेंज कर लेंगे, और उसके बाद में आर्मेचर डाल लेंगे, और इसका जो आर्मेचर का वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल